इधर था रिपब्लिक भारत कहता था मौलाना साद की गिरफ्तारी है, और उधर वो तक वाले 7:30 बजे हर दिन गाना बजाना अंताक्षरी करते। सो बापीदा शेयर सम म्यूजिक विद अस यार, बिना चैन का रहे और समथिंग लाइक दैट। स्वामी जी एक और मैंने आसन शुरू किया है, ये मेरा इन्वेंशन है, आपको बताऊं, वो उसको कहते हैं डिबेट आसन। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार बढ़ रही है, सरकार भी इस वायरस को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ मीडिया वायरस के चलते एक धर्म पर इल्जाम लगाने में जुटी हुई है या फिर एक दूसरे की आलोचना करने में। हाल ही में अर्नब गोस्वामी ने अपनी डिबेट खत्म करने के बाद आज तक द्वारा अंताक्षरी खेलने और तबलीगी जमात की न्यूज पर फोकस ना करने पर आलोचना की। तीन हफ्तों से इधर था रिपब्लिक भारत कहता था मौलाना साद की गिरफ्तारी हो रही, और उधर वो तक वाले 7:30 बजे हर दिन गाना बजाना अंताक्षरी करते थे। गद्दारी तो कई लोग कई तरह से करते हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसे भी लोग हैं जो खबरों से गद्दारी करते हैं। आपको दिखाते हैं आज तक द्वारा खेली जा रही वो अंताक्षरी जिसका जिक्र अर्नब कर रहे हैं। शम्स, जो गाने हमने चुने उसमें से जो गाना मैं आपको क्लू के लिए दे रही हूँ वो है ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। मेरे पास तो नदी का किनारा नहीं है, सड़क का किनारा है, पर ये चंचल हवा वह पे अंत करता है, वह है आपका शब्द। वाह के साथ बड़ा रिश्ता है श्वेता, वाह से वारदात भी है और आपने वाह ही दे दिया मुझे गाना गाने के लिए। गाना यूं है कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम, वक्त का हर शे पेरा। जा आखिर में चुके राज आया कि वक्त का हर शे पे राज, तो ये जा है जो राज है। जी 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 जी, जी। चलिए एक बार फिर एक नया ही अक्षर है, मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये, हर बार हम अभी तक हमने किसी अक्षर को रिपीट नहीं किया है, क्योंकि अंताक्षरी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तब होता है जब आपके लेटर्स रिपीट होने लगते हैं, जब टिक टिक घड़ी चलती है। अर्नब ने तक चैनल की आलोचना तो की, पर वह भी अपने चैनल पर लॉकडाउन के चलते प्राइम टाइम शो में जरूरी न्यूज पर फोकस ना करके कभी गेस्ट को गाना गाने के लिए कहते हैं। बापीदा इज जस्ट गोइंग टू सिंग ऑन द रिपब्लिक नेटवर्क, समवन हु मे बी थॉट ऑफ गोइंग आउटसाइड द डोर विल कम बैक नाउ। सो बापीदा little bit what? little bit aaj ke act two share like, some music with us yaar bina chain ka rahe or something like that, one line for this yes nahi nahi no, but before that yaar bina chain ka rahe pyar bina chain ka rahe sona nahi chaandi nahi yaar to mila अरे प्यार कर ले घर में चुपचाप बैठ ले घर में शांति रखिए सब चुपचाप बैठिए रास्ता में मत निकलिए सब घर में रहिए क्यों धन्यवाद थैंक यू लवली बापीदा। कभी प्राइम टाइम शो में बाबा रामदेव के साथ योगा सीखते सिखाते दिखते हैं। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार नमस्कार। लोगों की इम्यूनिटी तो कैसे बढ़ाए, और एक बात स्वामी जी, एक मिनट स्वामी जी आप मेरे सवाल तो सुन लीजिए, मेरे सवाल जरा लंबे होते हैं कभी कभी, सुन लीजिए, तो आप तो सुन लीजिए, कोई सुनता नहीं है मेरे सवालों को आजकल। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने जैसे अनुलोम विलोम की बात कही, वो सब दिखाया आपने, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इजी चीज कुछ मुझे समझाइए आज। घुटनों को ऐसे करें, घुटनों को ऐसे खींचे छोड़ें, फिर पैरों को ऐसे खोल करके इस तरह से करें, और फिर बटरफ्लाई करें, ये घर में बैठे बैठे बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं। स्वामी जी एक और मैंने आसन शुरू किया अभी, ये मेरा इन्वेंशन है, आपको बताऊं, उसमें 10,000 कैलोरी भी जाती है। हाँ बताइए बताइए। हाँ उसमें लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाँ वो उसको कहते हैं डिबेट आसन, तो मेरा तो वो डिबेट आसन मैं करता हूँ, उससे मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है।
स्वामी जी, बट एक बार स्वामी जी आप इतनी जल्दी जल्दी डिबेट करते हो कि आपकी लंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, और किसी को बोलने नहीं देता हूं, तो मैं और जोर से बोलता हूं, इतने जोर से बोलता हूं कोई बोल ना पाए, उसमें इतनी एक्सरसाइज हो जाती है स्वामी जी, सच्ची बोलूं आपको। अगर न्यूज की बात करें तो कोरोना को लेकर सिर्फ एक ही समुदाय पर निशाना साधते दिखे अर्णब। देश में कोरोना मरीजों की संख्या आज 14,000 तक पहुंच गई। ये आंकड़े बहुत कम होते अगर ये मौलाना साद न होता, इसलिए मैंने तय किया है कि जब तक ये मौलाना साद, ये घोटालेबाज हत्यारा मौलाना साद सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक उसे गुनाहों, जब तक उसे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये साद के खिलाफ मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा। नहीं नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आप टेंशन में आ गए, आपकी बीपी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? सुन रहा है आपके सवालों को, देख रहा है आपकी बीपी क्यों बढ़ रही है, कोरोना की महामारी में फंसे हैं, सवाल को सुन रहा है, एक एक शब्द सुन रहा है, आपको लग रहा है 50 बार पूछ रहा हूँ, आप बोलिए कि मौलाना साद भगोड़ा है, आप बोलिए इकबाल जी मेरे बाप। हाल ही में देश में कुछ जगह भीड़ इकट्ठी हुई जिसका जिक्र मीडिया ने अपने प्राइम टाइम में नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से नहीं था। आपको बता दें कि कर्नाटक के कुलबुर्गी में 16 अप्रैल को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। ये लोग सिद्धालिंगेश्वर मेले में भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें हजारों लोग एक रथ को खींच रहे हैं। वीडियो में लोगों के कंधों से कंधे मिलाकर रथ को खींचते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान ना तो लॉकडाउन की कोई फिक्र की गई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। ये मेला कुलबुर्गी जिले के चिट्टापुर तालुका में आयोजित किया गया था। मदुराई में एक जलीकट्टू बैल की मौत हो गई। इस बैल की अंतिम यात्रा में तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मदुराई तमिलनाडु में पड़ता है जहां कोरोना संक्रमण के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले मदुराई में ही 40 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं अभी तक। इलाके में जलीकट्टू में शामिल होने वाले बैलों का बड़ा मान होता है, उन्हें लगभग देवता माना जाता है, इसलिए इतनी भारी भीड़ जुटी। पूरा मुल्क 40 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद इतने लोगों का एक जगह इकट्ठा होना एक बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। पर हमारा मीडिया इस सब में कहाँ है, वो तो हिंदू मुस्लिम करने में बिजी है और इसको लेकर सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया इस पर भी ध्यान देगा और सरकार से सवाल जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.